निबंध एपिसोड 2। मैं समय हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, मैं इस युग में हूँ और मैं आने वाले सभी युगों में रहूँगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीम शरद मतलब डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज हुआ, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची, तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबता देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं और समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने को वो मेरे साथ बदल नहीं पाए। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज फिर एक बार समय बदल रहा है, ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे 3 जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 1, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? 2, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और 3, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूँ समझिए कि समय आपके साथ है। फिर कल, आज और कल बस आप ही होंगे सफल। धन्यवाद। मैं समय हूँ।